बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह की इज्जती लाडली सूरत शबान की हर रात वही पढ़ता है जो अल्लाह का चुना हुआ बंदा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का मामूल था कि वो रात को सोने से पहले इस सूरत की तलावत फरमाया करते थे, बल्कि अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दिली आरज़ू थी कि मेरी हर उम्मती के सीने में ये सूरत मौजूद होनी चाहिए, यानी उसे ज़बानी याद होनी चाहिए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैयत जब कब्र में रख दी जाती है तो उस मैयत के पास अगर अजाब पांव की जानिब से आना चाहेगा तो ये सूरत उस अजाब के सामने रुकावट बन जाएगी, क्योंकि ये शख्स दोनों पांव पर खड़ा होकर इसकी तलावत किया करता था। इस तरह सीने या पेट की जानिब से अजाब आना चाहेगा तो ये इसके सामने रुकावट बन जाएगी। इस तरह सर की जानिब से अजाब आना चाहेगा तो ये इसके सामने रुकावट बन जाएगी। माह शबान की हर रात जो इस सूरत की तलावत करेगा अल्लाह की बरकतीदा बंदों में शामिल होगा, अल्लाह के चुने हुए खास बंदों में शामिल होगा। जो शख्स रोजाना रात को सोने से पहले इसकी तलावत करता है, अल्लाह ताला उसे न सिर्फ दुनिया की परेशानियों से सख्तियों से पना देता है, बल्कि उसे अजाब कब्र से निजात अता फरमाते हैं। और जो माह शबान की हर रात इसकी तलावत करता है, इस सूरत को पढ़ता है या सुनता है, तो अल्लाह पाक इसे पूरा साल अपनी पनाह में रखते हैं, अपनी रहमतों बरकतों के साए में रखते हैं, क्योंकि ये वो महीना चल रहा है जो अल्लाह के नबी का महीना है और बहुत ही फजीलत वाला महीना है। इस महीने की एक रात बहुत ही रहमत वाली होती है, बरकत वाली होती है, और शेख कुरान की वो सूरत है जो रात को पढ़ी जाने वाली सूरत है। शेख कुरान की वो सूरत है जो अल्लाह से अपनी हर बात मनवा लेती है, अपने पढ़ने वालों के लिए अल्लाह से इच्छा करती है, अल्लाह से सिफारिश करती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरत मुल्क को पढ़ो, अपने अहले व आल आलो औलाद और अपने पड़ोसियों को सिखाओ, इसलिए कि ये सूरत अजाब से निजात दिलाने वाली है और क़यामत वाले दिन अपने पढ़ने वालों के लिए रब के हजूर इसकी बख्शिश कराने वाली है और अपने पढ़ने वालों के लिए जहन्नम के अजाब से निजात मांगने वाली है और अपनी तलावत करने वालों को कब्र की अजाब से निजात दिलाने वाली है। तो ये सिद्दी सूरत सूरत मुल्क है जो 29 पारे की सूरत में है। इस सूरत को शबान की हर रात लाजमी पढ़े, खास तौर पर 15 शबान यानी शबरात की रात इसकी तलावत शुरू करें। अल्लाह पाक बहुत ज्यादा खुश होंगे, पूरा साल आप पर खास नजर रहमत फरमाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया।